में अनावश्यक है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जब एक जगह पर छापेमारी की तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि वो जगह थी शमशान घाट। सदर थाने की पुलिस के द्वारा शमशान घाट में छापेमारी की गई। लाल पानी के जो तस्कर हैं, माफिया हैं, वो शमशान घाट में देसी शराब बना रहे थे। देसी शराब की मिनी फैक्ट्री थी जिसका भंडाफोड़ कर दिया गया है। शमशान घाट में ये बनाया जाता था, शव जलते हैं उसके सहारे शराब बनाई जाती है, जिसको लेकर खुलासा कर दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता से ये खुलासा किया हुआ है। और बताया जाता है कि रात में अंधेरे के फ़ायदा उठाकर कफन में अर्थी पर लेकर आया जाता है सामान को, और फिर शराब बनाई जाती है, इसे खुलासा कर दिया गया। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, पहले आप वो सुनिए। मामला यहाँ पे जो है, सूचना मिल रही थी कि जो है ये शमशान घाट है, और जहाँ पे ये लाश जलती है उसी की आड़ में लोग जो है देसी शराब बनाने का ये गंदा काम कर रहे थे। सूचना पर छापेमारी की गई है, तो आदमी तो हम लोग पहचान कर रहे हैं, और उपकरण और ये देसी शराब बरामद हुई जी। हम लोग पूरे इस क्षेत्र को जो है लगातार दिखवा रहे हैं। हाँ, जो भी है हमारे पास है, सभी चीज़ है, सबका उपयोग किया जाएगा, उसी को ख़त्म किया जाएगा। जानकारी क्या मिली थी सर, सब के आर में लाया जा रहा था शराब बनाने का उपकरण? नहीं, इसमें जो लगता तो था कि हाँ भाई, लोग सौ जलाने के लिए बैठे हुए हैं, चाहिए कर रहे हैं, तो शक नहीं होता था, लेकिन औचक की क्या गया, लगातार वही पदाधिकारी से निर्देश मिल रहा है, सबको बंद करना है। क्या सब बरामद हुई है? उपकरण बरामद हुए हैं, तस्करा है, गैस वगैरह है, और बना हुआ सर। तो आपने सुना कि सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा, शमशान घाट में शराब बनाई जा रही थी, तो हैरत अंग्रेज ये कारनामा किया है शराब माफियाओं के द्वारा, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। आखिर शमशान घाट में शराब बनाई जा रही है, तो सोच सकते हैं किस तरीके से सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता में शमशान घाट में ये शराब बनाई जा रही थी। देसी शराब की मिनी फैक्ट्री लगाई गई थी, और जिसके माध्यम से रात में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अर्थी लेके आया जाता था, उस पर चूल्हा रहता था और कफन से उसे ढक दिया जाता था ताकि किसी को शक ना हो, और ऐसे शराब बनाई जा रही थी, उसका खुलासा कर दिया गया है। सामान बरामद हुआ है, लेकिन जो माफिया हैं शराब के वो फरार हो गए, उन्हें पकड़ने को लेकर छापेमारी की जा रही है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।